बाजार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लू मेडिक्स अब आपके शहर सिवान में। जी हाँ, अब सिवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयाँ 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान। संपर्क करें 9264470096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब पुलिस ने टाइल्स मार्बल व्यवसायी से 25 लाख की रंगदारी और कपड़ा व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मांगने में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बरड़िया थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी सुरेश गिरी के पुत्र संदीप कुमार गिरी, विजय गिरी के पुत्र विकास कुमार और आकाश कुमार के रूप में हुई है। विकास कुमार और आकाश कुमार दोनों भाई हैं। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 3 गोली, एक अपाची बाइक और रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल के साथ 3 मोबाइल जब्त किया है। SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास 2 अन्य अपराधी बरड़िया थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी नीतीश कुमार और प्रिंस सिंह, ये दोनों गोपालगंज जिला में शराब तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। SP ने बताया कि कुख्यात अपराधी सद्दाम हुसैन, जो अभी जेल से छूटकर बाहर आया है, उसके नाम से ये सभी अपराधी रंगदारी की मांग करते थे। रंगदारी के दौरान ये अपनी पहचान छुपाने के लिए सद्दाम के नाम का उपयोग करते थे। ये तीनों अपराधी रंगदारी मांगने के अलावे शराब तस्करी का भी काम करते थे, जिसमें 2 अपराधी नीतीश और प्रिंस को गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब हो कि मार्बल व टाइल्स व्यवसायी धर्मनाथ सिंह से अपराधियों ने 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। धर्मनाथ सिंह द्वारा रंगदारी की रकम नहीं दिए जाने पर 15 अक्टूबर को दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस कांड के बाद व्यवसायियों में भय व्याप्त हो गया और व्यापारी अपने दुकान खोलने से कतराने लगे थे। इधर एक कांड की चर्चा भी खत्म नहीं हुई थी कि इसके तुरंत बाद ही 17 अक्टूबर को एक और कपड़ा व्यवसायी मोहन गुप्ता के मोबाइल फोन पर कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर दी गई थी, जिसके बाद SP शैलेश कुमार सिन्हा ने SDPO अशोक कुमार आजाद, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार, बरड़िया थाना अध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया था। पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरड़िया में, जैसे कि आप लोगों ने भी आपको जानकारी होगा, बरड़िया में एक मार्बल के व्यवसायी है खानपुर में, उनसे धर्मनाथ सिंह, उनसे रंगदारी की मांग की गई थी और उसके बाद उनके दुकान पर जाकर गोलीबारी भी की गई थी, उसमें कांड दर्ज किया गया। उसके 2 दिन के बाद फिर बरड़िया के कपड़ा व्यवसायी है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनसे भी 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग की गई थी और इन दोनों कांड के कारण वहां पे पुलिस के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो गया था बरड़िया में। उसके लिए SIT गठित किया गया था SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी बरड़िया, थाना प्रभारी बसंतपुर और थाना प्रभारी GB नगर, इन तीनों का फोन मिलाकर एक SIT का गठन किया गया और इन लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया बहुत अच्छे ढंग से। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि इस कांड में जो भी संलिप्त अपराधकर्मी थे, 4 अपराधकर्मी थे इसमें संलिप्त, जो कि आकर गोलीबारी किए थे, उसमें से 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए, 2 पिस्टल और 3 गोली। और घटना में जो प्रयुक्त मोबाइल था, जिसे मांग की जा रही थी, वह मोबाइल, उसके अलावा और भी मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ये सारा बरामद किया गया, उन तीनों की गिरफ्तारी की गई। इस घटना में जो और संलिप्त अपराधकर्मी है, वो अभी गोपालगंज जेल में उनकी दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है, तो उनको पुलिस इस कांड में रिमांड करने की कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार ये घटना घटी हुई थी और ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, एक सरदर्द हो गया था, वह पूरी तरह से उद्भेदित हो गया और इस घटना में जितने भी अपराधकर्मी शामिल थे, अभी 3 यहाँ पे पकड़े गए और 1-2 गोपालगंज में पकड़े गए, सारे अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गए। तीनों माधोपुर के रहने वाले हैं, माधोपुर बरहरिया के रहने वाले हैं। और आपको इसमें एक थ्योरी बताना चाहेंगे कि ये लोग, सदाम एक पहले का वहां का क्रिमिनल रहा है बरहरिया का, उसका नाम इस्तेमाल करके और उसके नाम पर ये लोग रंगदारी मांग रहे थे। अभी तक जो इन लोगों ने बताया है उसमें यही है कि वो खुद से एक नया गिरोह बना लिए थे और उसमें रंगदारी की मांग कर अपराधी की इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें अपराधी की जो पहले का है 6/12/448/22 6/22 बरहरिया
बढ़िया 448/22 और बढ़िया 453/22 तीन केस इन लोगों पर पहले से है। दोनों घटना में सर यही लोग, हाँ दोनों घटना में यही लोग है और दोनों घटना को लोगों ने पूरी तरह स्वीकार किया है, बल्कि जो जिस मोबाइल से इन लोगों ने रंगदारी की मांग की है वह मोबाइल इनके पास से रिकवर किया।